आजवानी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी फिलहाल कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और जो लोग हजारों लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं या फिर बेघर होने की कगार पर हैं, उनके लिए फौरी तौर पर निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत, इस वक्त की बड़ी खबर। कुंदन, एक बार फिर से मैं आता हूँ, उसके बाद बरखा मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अब स्टे लगा दिया है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, हल्द्वानी में अतिक्रमण का ये पूरा मामला। कुंदन, एक बार फिर से ये पूरी अपडेट जानकारी दीजिए, फिर मैं बरखा सीधे आपके पास आता हूँ। देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले पे जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका जो लगाई गई थी उस पे स्टे लगा दिया गया, यानी कि उस फैसले पे स्टे की वजह से आप सीधे कह सकते हैं कि उन लोगों को राहत मिली है, फौरी राहत है, अगर परमानेंट राहत हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि आप 7 दिनों में किसी को एक जगह से जो 60 साल से 70 साल से 50 साल से जो परिवार रह सकते उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई आपके पास रिहैबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, एफिकेशन का प्लान होना चाहिए। हालांकि लगातार रेलवे के तरफ से जो लोग पेश हुए थे, उत्तराखंड सरकार के तरफ से, वो लगातार कह रहे थे कि हमने लंबा वक्त दिया है, हम लगातार कह रहे हैं, और हमारा जो रिहैबिलिटेशन प्लान होगा, हमारे हटाने का प्लान होगा, हम उचित वक्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत 2-3 बड़ी बहुत साफ कही। उधर याचिकाकर्ताओं के तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनके पक्ष को रखा नहीं गया, उनके पक्ष को ढंग से सुना नहीं गया है, और वो लगातार उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है जो ये कहते हैं कि सुप्रीम जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गलत है, वो रेलवे की जमीन नहीं बल्कि पुरखों की जमीन है, बहुत सालों से रह रहे हैं और कम से कम कुछ परिवार तो 100 साल से ज्यादा से वक्त में रह रहे हैं। सो कुल मिला के जो लगातार याचिकाकर्ताओं ने जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, 2 बेंच ने, संजय किशन कौल, जस्टिस संजय किशन कौल के अध्यक्षता में 2 बेंच की कोर्ट सुनवाई करी थी, उन्होंने फिलहाल रोक लगा दिया है और कहा कि डिमार्केशन का काम पूरा करिए और जो भी एक रिहैबिलिटेशन जारी कर दिया है। कुंदन, मैं आपके पास आऊंगा, बरखा एक तुरंत आपके पास टिप्पणी, फिर मैं मेहमानों का रुख करूंगा। जरा दिखाइए वहां पर तस्वीर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है, स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट का ऑर्डर पर। पीछे की तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से राकेश जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिम रोक जो है हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई गई है, तब से ही यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि इसी का इंतजार कर रहे थे, इसी की उम्मीद कर रहे थे और इसी की बात यहाँ पर की जा रही थी। सुबह से ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दुआओं का दौर है। तस्वीरें जरा एक बार आपको मृत्युंजय यहाँ पर दिखाएंगे और लोगों से समझेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहेंगे हम तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ रेलवे की जो जगह है वो रेलवे की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, तो रेल आप खुश है सुप्रीम कोर्ट, हम उससे बहुत खुश हैं, इसी की उम्मीद थी। एक बात सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और हमें जो है पूरा भरोसा है अपने सर्वोच्च न्यायालय पे।